हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। अपना टॉपिक चल रहा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के बारे में, वो पढ़ लिया था अपन ने उसकी एप्लीकेशन पढ़ ली थी। उनमें से एक एप्लीकेशन अपने पास बच गई थी, वो थी अपनी ऑप्टिकल फाइबर। तो आज अपन स्टडी करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, क्या होती है, कैसे बनाया जाता है और जनरल लाइफ में इसका यूज क्या क्या होता है। इसके बाद अपन कर लेंगे प्रॉब्लम्स के बाद कि TIR के ऊपर कौन कौन सी प्रॉब्लम बेस्ट होती है और किस प्रकार से वो अपन इसको सॉल्व करेंगे मिस्टर टोड के फॉर्मूले से। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, जैसे अपना बाल होता है ना, उतनी मोटाई की एक फाइबर केबल होती है जिसका यूज किस लिए किया जाता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि 4G की स्पीड आ रही है, 4G चल रहा है ना अपने यहां, तो 4G की स्पीड किसके थ्रू आ रही है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू आ रही है। वो तो फाइबर केबल के अंदर क्या किया जाता है, सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं। 4G की जो स्पीड है केवल ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही आ सकती है, और भी केबल अपन काम में लेंगे तो उतनी स्पीड से सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करेंगे, क्योंकि वो केबल क्या कर देती है, उन सिग्नल्स को रिड्यूस कर देती है, उसका लॉस कर देती है। पर फाइबर केबल एक ऐसी केबल है जो सिग्नल का लॉस नहीं करती है। तो देखते हैं कि होती क्या है, बनती क्या है, कैसे। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, एक बाल की साइज का लगभग 1 mm या 0.1 mm कोर होता है। ये क्या होता है आपका कोर, जिसका इफेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, म्यू वर्क। ये किसी भी गुड क्वालिटी के ग्लास का बना होता है। इस पर एक कोटिंग की जाती है, इस पर एक कोटिंग की जाती है, किसकी, ग्लास की ही, अच्छे क्वालिटी के ग्लास की कोटिंग की जाती है। और इसे अपन क्या कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन, क्लैडिंग कहते हैं। और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिया जाता है अपने पास म्यू टू। ऑलवेज एक बात याद रखना, म्यू वन ऑलवेज ग्रेटर देन होता है म्यू टू के, मतलब कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ऑलवेज ग्रेटर देन होगा क्लैडिंग से। अब इन दोनों को, इन पर एक कोटिंग और कर दी जाती है, बफर कोटिंग, इसे कहते हैं अपन बफर कोटिंग। बफर कोटिंग ये होती है आपकी फाइबर केबल्स। ये एक फाइबर केबल के बारे में आपने बताया है। और इस पूरे की साइज जो होती है अप्रोक्स सबके बाल की साइज की होती है, इतना पतला होता है ऑप्टिकल फाइबर। ये होती है आपकी फाइबर केबल। अब फाइबर केबल में ये कोर होता है, क्लैडिंग होता है और ये बफर कोटिंग होती है। ये तो आपकी हो गई ऑप्टिकल फाइबर होता है डेफिनेशन, इज दैट क्लियर। अब इसके अंदर जो लाइट है किस प्रकार से ट्रांसमिट होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, जब भी इसके अंदर, मान लिया मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, तरीके से बना देता हूं इसको पूरी, इसमें मान लिया ये अपने पास एक फाइबर केबल है, इसके अंदर इसकी क्लैडिंग भी आ गई और कोटिंग भी आ गई, मान लिया अपने। ठीक है, जब भी इसमें कोई लाइट इंसिडेंट होगी, जब इसके अंदर कोई लाइट क्या करेगी, एक फेज से इंटर होगी, तो वो लाइट हमेशा क्या होगी, TIR होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका इंसिडेंट एंगल ऑलवेज क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये जो अपने कोर लिया है और क्लैडिंग ली है, इन दोनों का जो फेस हो जहां पे दोनों मिलते हैं उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की तुलना में इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, अपन जानते हैं ऑलरेडी। तो इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल कम हो गया, इंसिडेंट एंगल ज्यादा होगा, तो क्या करेगी, TIR करेगी, यहां से ले जाएगी, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, कंटिन्यू क्या करती रहेगी, ये TIR करती रहेगी, कंटिन्यू क्या करती रहेगी, TIR करती रहेगी। चाहे अपन इस केबल को किसी प्रकार से मोड़ दें, चाहे इस केबल को आप जलेबी बना दो, तब भी क्या करती रहेगी, ये सिग्नल ट्रांसमिट करती रहेगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा लॉस ऑफ सिग्नल्स। ये होता आपका ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर जो है,
ऑप्टिकल फाइबर जो है वो यूज कहां कहां होता है, इसके अपन यूज स्टडी करें। तो यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, पहला तो जो अपने पढ़ी लिया कि ऑप्टिकल सिग्नल्स जो होते हैं उसको ट्रांसमिट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। ऑप्टिकल सिग्नल जितने भी हैं उन सभी को ट्रांसमिट करने के लिए किसका यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। 2D इमेज को रिसीव करने के लिए किसका यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर। 2D में आपको सेंड करनी है तो किसका यूज कर सकते हो आप, ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर सकते हो। एक बात और याद रखना, एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर से कंप्लीट इमेज फॉर्म्ड नहीं हो सकती है, आपको मोर देन 2 से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल काम में लेनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? पहला यूज समझ में आ गया, पहला यूज क्या था इसका, पहला यूज ट्रांसमिट ट्रांसमिट ऑप्टिकल सिग्नल एंड 2D इमेज, 2D, दैट लिख दो 2D इमेज, ठीक है। नंबर 2, जैसे आपने नाम सुना होगा एंडोस्कोपी का, तो एक छोटी सी केबल होती है वो मुंह के थ्रू पेट में डाली जाती है, फिर उससे जांच करते हैं कहां क्या बीमारी है, वो होती है एंडोस्कोपी। उस एंडोस्कोपी में जो अंदर डाला जाता है वो फाइबर केबल होती है, उसके अंदर क्या करते हैं अपन लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, और लाइट क्या होती है, TIR होते हुए अपने पेट के अंदर की जो भी इमेज है वो अपने क्या देती है, रिसीव कर देती है, अपने वो सेंड कर देती है, अपने वो रिसीव हो जाती है। तो एंडोस्कोपी के अंदर क्या इसका यूज होता है, एंडोस्कोपी में इसका यूज। नंबर 3 यूज इसका, आपका जो ब्लड है, ब्लड फ्लो की स्पीड आपको नोट करनी कि ब्लड फ्लो किस स्पीड से हो रहा है, तो उसके लिए भी इसका यूज होता है, ब्लड फ्लो। नंबर 4, कोई भी लिक्विड है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गए, इसके यूज हो गए, किसके, ऑप्टिकल फाइबर के यूज। इज दैट क्लियर? अब पढ़ लेंगे TIR के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, इंपोर्टेंट प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स, तो आप शुरू करते हैं TIR पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स मिस्टर टोड के साथ। पहली प्रॉब्लम लेते हैं अपन, पहली प्रॉब्लम आपको दी गई है कि कोई एक टैंक है, क्या एक टैंक है, किसी न किसी लिक्विड से भरा हुआ है, लिक्विड कोई भी हो सकता है, तेल, पानी, जूस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो इसका जो तल है, इसका जो पैंदा है, उसकी अपेरेंट डेप्थ, मतलब आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअली, वो आपको दी गई है, इसकी अपेरेंट डेप्थ आपको दी गई है 7.7 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 7.7 सेंटीमीटर दी गई है, और जो ये लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है 1.3, और ये पूछा गया है कि इसकी रियल डेप्थ कितनी होगी, कि जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी रियल डेप्थ क्या है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, एक टैंक है, टैंक के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो टैंक का जो पैंदा है वो ऊपर आपको दिखाई देता, आप जानते ही हो TIR के कारण, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। तो इसके लिए आपको ये पूछा गया है कि इसकी जो रियल डेप्थ है वो क्या होगी, तो आप जानते हो, सिंस वी नो दैट, जो गिवन वो लिख लेते हैं, गिवन क्या कह यहां पे, म्यू दिया गया आपको 1.3, और रियल डेप्थ, सॉरी अपेरेंट डेप्थ दी गई है कितनी, 7.7 सेंटीमीटर। आप जानते हो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ।
अब रेंट दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, रियल चाहिए तो ट्रांसफर कर लीजिए, तो रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू इंटू अपेरेंट डेप्थ, इज दैट क्लियर। म्यू की वैल्यू 1.3, अपेरेंट डेप्थ वैल्यू 7.7, मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको, वन नाइन टेन 10.1 सेंटीमीटर, क्या आ गई ये रियल डेप्थ, इज दैट क्लियर। इस प्रकार से आप घुमा फिराए कोई क्वेश्चन बना सकते हो, म्यू मिसिंग कर सकते हो, रियल ऑपरेंट पूछ सकता है आपसे, रियल ऑपरेंट दिया हुआ था तो म्यू पूछ सकता है आपसे, रियल दिया हुआ है म्यू दिया हुआ तो अपरेंट पूछ सकता है आपसे, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से घुमा के वो पूछ सकता है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्लियर दैट। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्या दिया गया आपको, एक क्यूब दी गई है ग्लास की, एक ग्लास की क्यूब दी गई है जिसकी जो विड्थ है, जो साइड है कितनी है 210 mm दी गई आपको, क्लियर दैट। साइड दी गई है 210 mm दी गई है, इसमें बोला गया है कि ये फेस फर्स्ट है, ये फेस फर्स्ट है, ये फेस सेकंड, इसमें एयर बबल है, उस एयर बबल को यदि फेस फर्स्ट से देखते हो आप, किस कहां से देखते हो आप, फर्स्ट फेस से देखते हो तो वो आपको अप्रोक्स यहां दिखाई देता है, इसकी इमेज यहां बनती है आई वन, डिस्टेंस आपको दी गई है 100 mm, 100 mm डिस्टेंस पर दिखाई देता है, क्लियर दैट। यदि फेस सेकंड से देखते हो तो वो अप्रोक्स यहां से दिखाई देता है, इमेज आई टू, ये डिस्टेंस आपको दी गई है 40 mm, कि भैया फर्स्ट फेस से देखो 100 mm डिस्टेंस पर दिखाई देता है, सेकंड फेस से देखते हो तो 40 mm डिस्टेंस पर दिखाई देता है, तो इसकी रियल, ये मान लीजिए इसकी रियल है, एक्चुअल के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है, वो आपसे एयर का जो बबल है वो कहां रखा हुआ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मान लिया जो ये ऑब्जेक्ट है वो इस फेस से एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ये कितना बच जाएगा 210 माइनस का एक्स, इज दैट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन समझ लीजिए फटाफट, एक क्या है, ग्लास का क्यूब है जिसकी साइड 210 mm है, इसके एक फेस, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक एयर बबल है, ठीक है, यदि फेस फर्स्ट से देखते हो तो आपको 100 mm डिस्टेंस पर दिखाई देता है, फेस सेकंड से देखते हो 40 mm डिस्टेंस पर दिखाई देता है, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी एक्चुअल डेप्थ क्या, क्लियर दैट। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्लियर दैट। तो शुरू करते हैं अपन सॉल्यूशन, फोर फेस फर्स्ट, फर्स्ट फेस के लिए रियल डेप्थ कितनी है, फर्स्ट फेस के लिए रियल डेप्थ अपने मानी एक्स, अपरेंट डेप्थ कितनी है जो अपने को दिखाई दे रही है 100 mm, कोई दिक्कत नहीं है। सो अपन जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, वेरी गुड, रियल डेप्थ एक्स, अपरेंट डेप्थ 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट फेस के लिए अपने क्लियर कर लिया। फॉर सेकंड फेस, फॉर फेस सेकंड, सेकंड फेस ये रहा, ठीक है, इससे रियल डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ 210 माइनस का एक्स, अपरेंट डेप्थ कितनी है जो अपने दिखाई दे रही है एक्स 40 mm, तो म्यू कितना होगा, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, इक्वेशन नंबर टू। फर्स्ट और सेकंड के म्यू सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, तो कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा आपको, x अपॉन 100 इज इक्वल टू 210 माइनस का x अपॉन 40 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से क्या मिलेगा आपको 40x इज इक्वल टू 21000 माइनस का 100x इसको उधर ले जाएंगे अपन तो 140x इज इक्वल टू 21000 यू जीरो कैंसिल यहां पे वैल्यू कितनी आएगी यहां लिख देता हूं मैं x इज इक्वल टू अपने पास आएगा 150 mm इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो कितनी मिलेगी आपको 150 mm मिलेगी पूछा गया अपने से सेकेंड फेज से इसकी रियल डेप्थ कितनी होगी सेकेंड फेज से रियल डेप्थ ये तो फर्स्ट फेज से आई रियल डेप्थ सेकेंड से करें तो क्या करेंगे 210 में से माइनस कर देंगे तो सो रियल डेप्थ फ्रॉम फेस सेकेंड सेकेंड फेज से रियल डेप्थ कितनी होगी 210 माइनस का 150 कितना बचेगा 60 mm एक पार्ट अपना कंप्लीट सेकेंड पार्ट क्या कहता है अपने को सेकेंड पार्ट क्या पूछा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चाहे ये क्वेश्चन काम में ले लो चाहे ये क्वेश्चन काम में ले लें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है 150 अपॉन में 100 क्या बचेगा 1.5 ये क्या आ गया आपका म्यू आ गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई किसी ने कोई दिक्कत नहीं है फटाफट उतार लीजिए इसको ये था अपना टीआईआर की प्रिपरेशन पढ़ ली थी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया अपन ने उसमें बेस्ट प्रॉब्लम कर लिया अपन ने इज दैट क्लियर अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के लिए तब तक के लिए सी यू